साथियों, कांग्रेस ने हमेशा किसान को किसानों को तो उसने जितना धोखा दे सकता है दिया है, उसने देश के वीर जवानों को भी धोखा दिया है। कांग्रेस की सरकार कमीशन और करप्शन के चक्कर में भारत की रक्षा जरूरतों को ही खतरे में डालती रही है। देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है और भाजपा कैसे काम करती है, उसका गवाह मई का ये महीना भी रहा है। मई 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। पहले परीक्षण के दशकों बाद अब आप बताइए, कांग्रेस की सरकार को ऐसा करने से किसी ने रोका था क्या? आखिर किसके दबाव में आ गई थी कांग्रेस? भाइयों और बहनों, यही स्थिति अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने वाली ए-सैट मिसाइल के परीक्षण को लेकर के थी। हमारे वैज्ञानिक कांग्रेस की सरकार से टेस्ट करने की इजाजत मांग रहे, लेकिन पूरी सरकार, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, थर थर कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। इनको लगता था कि अगर दुनिया ने हमने मिसाइल से सैटेलाइट को गिराया और दुनिया हम पर टूट पड़ी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिन लोगों को सत्ता इतनी प्यारी हो, कुर्सी का इतना मोह हो, वो पार्टी कभी भी देश का भला सोच सकती है क्या? सोच सकते हैं क्या? निर्णय कर सकते हैं क्या? कदम उठा सकते हैं क्या? लेकिन साथियों, आपके इस चौकीदार ने वैज्ञानिकों को इजाजत दी और आज भारत स्पेस में, अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना है।